अपने पापा या दादाजी से पूछना। एक समय हुआ करता था जब गियर शिफ्टिंग ऐसे नहीं ऐसे करी जाती थी। 60 से 80 के दशक तक हिंदुस्तान की पॉपुलर गाड़ियां जैसे कि एम्बेसडर, लैंडमास्टर, पद्मिनी में कॉलम शिफ्टर आया करता था। कॉलम और फ्लोर शिफ्टर एक ही तरीके से काम करते हैं, बस जगह का डिफरेंस होता है। गियर लीवर को स्टेयरिंग कॉलम पे लगाने से गाड़ी के अंदर काफी जगह बन जाती है सामने सोफा जैसी बेंच सीट्स लगाने के लिए, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। अब क्योंकि कॉलम शिफ्टर डायरेक्टली गियरबॉक्स से जुड़ा हुआ नहीं होता है तो लीवर से गियरबॉक्स तक का रास्ता होता है लंबा, इससे गियर लीवर जल्दी घिसता है और शिफ्टिंग रिस्पॉन्स की तो पूछो ही मत। सेफ्टी भी एक इशू है, जमाना बदल रहा था और सीट बेल्ट जरूरी हो गए थे। बेंच सीट से बात नहीं बनती तो बकेट सीट्स लगाया गया, बीच में बची जगह बन गई सेंटर कंसोल, गियर लीवर को जमीन पे लगाया और स्टेयरिंग व्हील को मिल गए फीचर्स। इनफैक्ट मारुति 800 के आने के बाद एम्बेसडर और पद्मिनी ने भी फ्लोर गियर अपना लिया और ये आज तक स्टैंडर्ड है। वैसे कॉलम शिफ्टर आज भी जिंदा है, कमेंट्स बताइए कौन सी गाड़ी में। कॉन्टेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू कास्ट 24।